अब हम उनको देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मेटलॉइड शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड वही होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब एसर्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है? एसर्शन का मतलब क्या होता है, तर्क होता है, तो तर्क तो बिल्कुल ठीक है। अब रीज़न देखो, रीज़न क्या बोला गया है, कार्बन इज अ मेटलॉइड। कार्बन एक मेटलॉइड तो नहीं है, कार्बन तो एक क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, मतलब एसर्शन ठीक है और रीज़न क्या है, गलत है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, इफ़ एसर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है? तो सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, एसर्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, सोडियम मेटल कैचेज फायर व्हेन केप्ट इन वाटर। ऐसा ही होता है, तब भी आप सोडियम को, वैसे कैरोसिन में स्टोर किया जाता है, पर तब भी आप उसको किस में, पानी में लेके आते हैं, तो वो फायर को कैच करता है। एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न देखिए क्या है, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है, रीज़न भी करेक्ट है। और ये बात ध्यान से समझें कि जो ऊपर एसर्शन है, ठीक है, कि भाई वो पानी में जैसे उसको डालेंगे तो वो फायर को कैच कर लेता है, तो इसी का जो ये रीज़न है वो किसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, एसर्शन की क्या हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए वाला, कि बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, एसर्शन की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं। और जो अब रीज़न देखो बच्चों क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल गलत बात है, रीज़न क्या हो गया, गलत हो गया, एसर्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सॉलिड होते हैं तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एसर्शन ठीक है और रीज़न गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है? इसका भी क्या हो जाएगा, सी, एसर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हैं पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन वाले। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटेक्ट पीरियोडिक पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल, वो पहले ही थे, क्योंकि जो पहले डोबर आइनर थे उनकी एक पीरियोडिक कोई वो नहीं बनी थी, उन्होंने ट्रायड्स बनाए थे, ठीक है? कोई पीरियोडिक टेबल जैसा उनका कोई कंसेप्ट भी नहीं था, कोई टेबल ही नहीं बनी थी, सिर्फ एक ग्रुप्स बना दिए थे ट्रायड करके। तो यही पहले पर्सन थे, मतलब बच्चों एसर्शन तो करेक्ट हो गया, रीज़न क्या है, इस जनरलाइजेशन वॉज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रायड्स। नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रायड तो डोबर आइनर का था, तो रीज़न गलत है और एसर्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, एसर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, जो रिएक्टिविटी है हैलोजन की, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। गलत बात है, क्यों, ऐसे गलत क्यों है, क्योंकि जैसे ही हम नीचे जाते हैं हैलोजन्स के, उसमें क्या होता है, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ये ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़। तो एसर्शन हो गया गलत, एसर्शन गलत है। तो अब देखो, ये वैसे तो डी ऑप्शन में ही हो सकता है, क्योंकि यहीं पे एसर्शन को गलत दिखाया गया है। फिर एक बार रीज़न और देखते हैं, रीज़न देखो बच्चों क्या है, हैलोजन्स आर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं होता, हैलोजन्स, ठीक है, एक्सेप्ट तो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये बात तो ठीक है बिल्कुल, पर हैलोजन्स क्या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का तो क्या करके आए, रिडक्शन, और खुद का उनका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हैलोजन्स ऐसा नहीं करते, तो जो रीज़न है वो क्या हो गया, गलत। तो एसर्शन भी गलत और रीज़न भी गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। अब नेक्स्ट देखो, एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है, एटॉमिक जो साइज होता है उसको रेडियस ही उसका मेजर किया जाता है, तो एसर्शन क्या हो गया, करेक्ट। रीज़न देखो, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। जो एटॉमिक साइज है क्या वो डिक्रीज करता है, तब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, मतलब लिथियम से आप फ्लोरिन की तरफ जा रहे हैं, तो साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, तो रीज़न भी क्या है, करेक्ट है। पर ये ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होएगा इसका बी, बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है? क्योंकि ये रेडियस के बारे में थोड़े एक्सप्लेन कर रहा है, रीज़न रेडियस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो वो तो बस उसकी बता रहा है कि भाई पीरियड में ऐसा होता है, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, एसर्शन देखिए क्या है, एसिड कंटेन हाइड्रोजन,
आई डोंट नो दैट, बिल्कुल ठीक है. एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ऐसा भी होता है. जो लिटमस पेपर ब्लू होता है उसको रेड में कन्वर्ट करता है. एसर्शन करेक्ट हो गया. रीजन रीजन देखिए बच्चों क्या है. एसिड शुड नॉट हैव ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है. एसिड्स में एच पॉजिटिव आयन की बात करते हैं, ओ एच की नहीं करते. इन्होंने बोला शुड नॉट हैव, ठीक है, तो नहीं होते हैं. तो रीज़न भी क्या है, करेक्ट है. एसर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, पर रीज़न एसर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड. एसिड अगर आपके पास है, एच सी एल है, और वो मेटल ऑक्साइड के साथ मान लीजिए आप ले रहे हैं एन ए टू ओ, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाता है हमें वो देखना है, ठीक है. तो यहाँ पे बन जाएगा सॉल्ट बनेगा एन ए सी एल, ठीक है, एन ए सी एल और एच टू ओ बनेगा, है ना. तो इन्होंने क्या यही बोला है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है. एसर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया. रीज़न देखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल नहीं. मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे चाहे वो हाइड्रोक्साइड है जैसे एन ए एच है, या उसका ऑक्साइड इन्होंने पूछा है तो एन ए टू ओ, तो उसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों बेसिक नेचर होते हैं, ना कि एसिडिक. तो रीज़न हो गया गलत. तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एसर्शन ट्रू है और रीज़न क्या है, फॉल्स है. तो ऑप्शन हो जाएगा सी. अब नेक्स्ट देखो, एन ए एच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल ठीक बात है. तो एसर्शन हो गया करेक्ट. अब फिर देखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस आयनाइज कम्प्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, बिल्कुल करेक्ट बात है. बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. तो रीज़न क्या हो गया बच्चों, करेक्ट. एसर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी क्या है, करेक्ट है. अब देखो बच्चों, जो ये रीज़न दिया गया है कि भाई वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, क्योंकि एन ए एच के रिगार्डिंग ही बात कर रहा है, इसी वजह से उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोला गया है. हमारी यही एक पॉइंट था जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड या बेस को बताते हैं. तो जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का. तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उनके पास होता है, होता है कि नहीं. एसर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रीज़न क्या दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, बिल्कुल होता है. क्या होता है, सी एस ओ फोर हाफ एच टू ओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यही होता है ना, हाफ एच टू ओ. तो ये भी क्या है, करेक्ट है. तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, पर रीज़न एसर्शन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी. समझ गए. अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, ये कार्बन और कंपाउंड के हैं. पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एसर्शन दे रखा है डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल ठीक बात है. एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की डायमंड जो है, बिल्कुल ठीक बात है. अब रीज़न देखिए क्या है, इन डायमंड ईच कार्बन अटैच टू फोर अदर कार्बन आइटम, ऐसा ही होता है, चार दूसरे कार्बन आइटम से वो जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रल शेप बनाता है. तो ये दोनों ठीक है, एसर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी क्या है, करेक्ट है. पर क्या रीज़न एसर्शन की एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, कि जो डायमंड है बच्चों वो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, और एलोट्रोपिक क्या है भाई, सारे कार्बन ही कार्बन जुड़े हों, कोई और ना हो. इन्होंने यही हिंट दी है कि भाई जो डायमंड है वो सारे कार्बन एटम से ही जुड़ा है. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा, कि बोथ एसर्शन रीज़न आर करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी बच्चों, किसकी, एसर्शन की. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, एसर्शन दे रखा है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, बट एसर्शन करेक्ट है. रीज़न देखिए, ओ के जो एटम होता है, मतलब जो ऑक्सीजन होता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है, और वो दोनों कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है. दोनों क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि मेटल तो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में हमेशा कौन सी बॉन्डिंग बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं. तो रीज़न भी करेक्ट है, पर क्या जो रीज़न है वो एसर्शन की एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल नहीं है. यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात चल रही थी, पर यहाँ पे ये ऑक्सीजन की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, बोथ एसर्शन रीज़न करेक्ट, रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसकी, एसर्शन की, ठीक है ना बच्चों. अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कैटिनेशन ऑफ कार्बन, कि जो कार्बन की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, बिल्कुल नहीं. तो एक ही किस पे रह जाता, सी एच फोर पर ही सारी की सारी ऑर्गेनिक रह जाती, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी थी तभी कार्बन कार्बन ये कंपाउंड बन पाए. तो एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है. रीज़न क्या है, रीज़न है कार्बन एटम्स हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, सबसे ज़्यादा कार्बन की ही है,
सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों, कार्बन की ही है, तो जो रीज़न है वो भी करेक्ट है। और एक बात और है यहाँ पे, कैटिनेशन पता है ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला जाता है। तो मैक्सिमम टेंडेंसी होने के कारण ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे, तो जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, एसर्शन की। समझ गए? नेक्स्ट एसर्शन देखिए, एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एल्केन में सारे क्या होते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब इसका रीज़न पढ़िए क्या है, प्रोपीन इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल भी नहीं, तो रीज़न क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एसर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन सी। अब आगे देखिए, एल्कोहल कंटेन ओएच ग्रुप, एल्कोहल ओएच ही होता है, तो एसर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब रीज़न देखो बच्चों क्या है, फंक्शन ग्रुप डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ही होता है कि तब भी आप किसी के साथ भी फंक्शनल ग्रुप को लगा देते हैं तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी वो फंक्शनल ग्रुप ही बताएगा। तो रीज़न भी करेक्ट है और एसर्शन भी करेक्ट है, दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, पर जो रीज़न है वो एसर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो ओएच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है हमें, ठीक है। वो तो सिर्फ बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जहाँ जुड़ जाते हैं ना, वो उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो समझ गए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी, ठीक है।